क्लास नाइन्थ का आज हम क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स, यदि आपके पास कोई सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई करे, मतलब स्थित हो, ठीक है। तो आगे क्या रखा है, सो हमने क्या रखा है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। तो अभी कहते हैं देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, मतलब आपको फिगर से ड्रॉ करके उदाहरण है कि ठीक है, एक्सप्लेन करके उदाहरण है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक लाइन है जिस लाइन का नाम है ए और बी, ए और बी पॉइंट है हमारे पास, उनके बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है, ये सी पॉइंट लाई कर रहा है इनके बीच में, ठीक है। इसका मतलब सी के क्या मिड पॉइंट है, क्या है, सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। अब देख क्या रखा था हमें क्वेश्चन के अंदर, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो जो आपको दे रखा है ना उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या दे रखा था, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो एडिंग क्या करना है, इसके अंदर एडिंग करना है आपको, एडिंग क्या एडिंग करना है, ए सी, ए सी ऑन बोथ साइड्स, आपको दोनों साइड में क्या एड करना है, ए सी एड करना है, ठीक है। कीजिए ए सी प्लस में ए सी, बी सी प्लस में ए सी, हायर ए सी, ए सी कितना हो गया, दो ए सी हो गया। यहां पे ए सी प्लस बी सी मतलब ए से सी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, ए बी होती है ना, तो ए बी सी प्लस में ए सी आपके पास किसकी इक्वल आ गया, दोनों को जोड़ा तो ए बी की इक्वल आ गया। अभी टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में दर लेके जाओगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देखो ध्यान से यही प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो चुका है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव दैट, कि हमारा पास जो मैं प्रूव करना था उन्होंने प्रूव कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर हमने एक लाइन दे रखी है और हमें देख रखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ए और सी कहां पे है, ये रहा सी और बी डी कहां पे है, ये बी डी रहा आपके पास, ये दोनों इक्वल दे रखे ना आपको। तो आप क्या लिखोगे, हमें ए सी किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ सबट्रैक्ट मतलब घटा रहे हो, ठीक है। सबट्रैक्ट क्या करोगे, देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, एसी के अंदर बीडी के अंदर कॉमन है बीसी, क्या कॉमन है, बीसी। तो आप लिखो सबट्रैक्ट बीसी ऑन बोथ साइड्स, बीसी ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड में किसका माइनस कर दीजिए, बीसी का। तो एसी माइनस बीसी, बीडी माइनस बीसी, एसी में बीसी माइनस कीजिए, जब हमारे पास एसी यहां से यहां तक है, इसमें बीसी माइनस कर दिया, बीसी डिस्टेंस माइनस कर दी, तो क्या बचेगी, एबी बचेगी ना, क्या बचेगी, एबी बचेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे बचा एबी, बीडी में बीसी माइनस कीजिए, बीडी ये टोटल, इसमें बीसी आप ये माइनस कर दोगे तो हमारे पास डिस्टेंस बचेगी ओनली सीडी, क्या हो जाएगी, सीडी की डिस्टेंस हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि एबी किसके इक्वल आ गया, सीडी। ये प्रूव करना था हमें, तो हैंस प्रूव दैट, कि हमने प्रूव कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इतना ही करना था, ठीक है।